तो दोस्तों यार मैराथन जा ही रहे थे तो रास्ते में हो गया हमारा चालान। क्या करें, गलती है हमारी ही है, हेलमेट नहीं था तो चालान हो गया। तो चलो, तो दोस्तों ये है भाई अपना ट्रैक्टर, ऐसे ऐसे रास्तों से लेकर आना पड़ रहा है, लाने में ही बड़ी दिक्कत है यार। बाकी तो चेक करें यार, सारी खाली हो गई है तो लोगों के भैंस देखो क्या आज तो कमी है, कल मैं देख रहा था। तो दोस्तों ये देखो यार, बैल की हल इतने बड़े बड़े डेले उठ रखे हैं, ये देखो। तो ये हैं भाई हमारे बैल जो हो रहे हैं धीरे धीरे विलुप्त, और ये हैं हम अपने चाचा जी। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध करता हूँ मैं कि अपना हेलमेट और अपने जो कार डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे रेडी कर। तो सभी मित्रों को सुप्रभात, मैं जुवावा देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गांव काली माटी से आपका अपने ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो गाइज ये चेक करें यार, ये आ गए हैं भैया, रास्ता बनेगा यहाँ पांडव लीला के लिए। तो ये टाइल्स वगैरह भी आ गए हैं, तो कुछ एक दो दिनों में ये इसका जो कार्य है वो भी शुरू हो जाएगा। और फिलहाल अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं भैया 6:15, 6:15, और मैं निकल गया हूँ भैया अपने गौशाले के लिए। ये देखो जो अपनी भैंस वैंस है वो भी निकल गई हैं बाहर, तो चलते हैं। ट्रैक्टर का आजकल खेती का काम चल रहा है तो भैया ट्रैक्टर भी चलेगा। और यहाँ है भैया हमारे हथियार कंपोनेंट्स, ये चेक करें। तो चलो इसको ले जाते हैं फटाफट यहाँ से। और तो दोस्तों ये हैं यार ट्रैक्टर के घंग जिनसे लगेंगे भैया खेतों में हल, यही फाड़ती है जमीन को। और फिलहाल अभी तो उन पे टायर लगे हैं यार, तो फटाफट से इनको चेंज करके लगाते हैं उस पर। अभी आ चुका हूँ मैं खेत में, और वहाँ वो वाला खेत है भैया हमारा गेरू का, और वहाँ पर चल रही है अभी 20 बुआई। तो फिलहाल लेते हैं इनका शॉट, क्या क्या कर रहे हैं, कितने खेत लगा रहे हैं। इनके तो भैया दो ट्रैक्टर एक साथ चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको। और ये है भैया जो की अस्तित्व से धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, ये देखो। और खेत की बात करें तो ये देखो खेत फुल नीचे जा रहा है इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर है तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है बढ़िया करके। तो बुढ़ो जी कुछ कहना चाहोगे आप ट्रैक्टर के बारे में, बैल धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, सारी जोड़ी बढ़ रही है हमारे गाँव में बस। अब पहले तो लगभग बस सभी के थे है नी। और ये देखो भैया ये है इनका छोटा वाला ट्रैक्टर, और बड़ा वाला कर रखा है उन्होंने यहाँ पे खड़ा। ए ये क्या मोबाइल चला नीचे, नहीं मोबाइल फेंकू क्या? ओहो ना जो चुंगे यार, अरे क्या भैया जंगे जुंगे मार का क्या बात, मच्छर वच्छर खा लेंगे खून कम हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो आप कॉल जा रहे ट्रैक्टर माथ तो माथा भी लेंदी शुरू तीर। अच्छा ये है भैया ये जर्मन सा पड़ किसका जा रहे हैं है? और हमारा डॉक्टर हाँ भाई हेलो हेलो गाइस क्या 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 बोले भी वीड़े वीड़े ना जाओ यो। तो ट्रैक्टर ना चिड़े वो है भैया मालिक मोहन साई, इन दो ट्रैक्टरों का मालिक है भाई। ये है मेरी बगान ये है मेरा ये है इसका केले का बागान, केले तो कुछ हो ही नहीं रखे भाई उधर से। तुम आए अभी हम उल्ला का खेल खाया सोर के, कोई दिक्कत नहीं? तो चलो भाई ऊपर से भी गाली पड़ी है, फिलहाल चलते हैं ऊपर क्योंकि लेट भी हो गए, 7 भी बज गए यार खेतों में लेट आया। तो चलो चलाते हैं अपना वाला ट्रैक्टर, और बैल दिखाता हूँ मैं जो धीरे धीरे अब विलुप्त हो रहे हैं भाई, वो देखो यार। तो ये हैं भाई हमारे बैल जो हो रहे हैं धीरे धीरे विलुप्त, और ये हैं हम अपने चाचा जी। तो चाचा ये बैल कहाँ जा रहे हैं धीरे धीरे? आधार कार्ड बना दिए इनके कानों पे और वो देखो वो पी रहे हैं वहाँ पे चिलम मजे से, ये भैया पहाड़ों में आजकल। और ये बोया जा रहा है हमारे खेत में बीज, और ये है सुबह 7 बजे के नजारे है। तो दोस्तों ये देखो यार बैल की हल इतने बड़े बड़े डेले उठ रखे हैं, ये देखो ये देखो कितने बड़े बड़े हैं। ये है बैल की हल, मशीन क्या काटता है इसको एकदम बारीक और
हाल में ये अभी 12 के है तो इसमें डेल जो ये डेल है ना तो ये फूलने पड़ते हैं गाइस। ये देखो इतने बड़े बड़े देखो। इस बार एक तो बारिश भी नहीं है बहुत टाइम से, तो जो खेत हैं वो बहुत सख्त हो रखे हैं। और ये हैं भाई हमारे चाचा के हीरा और मोती बैल। अरे चाचा तुम बोली ना मुझे ढंग से किलनी खोली, मुझे किलनी खोली कहो खोलिए कौन नहीं खोली ऐसा गाड़े हो ले है। हाँ तब बूतन का शुरू कर तू बोले चाचा चला गए भाई हमारे। ये देखो बैल दिखी कहाँ रहे हैं आजकल, वो तो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आप लोगों को बैल देखने का, नहीं तो भैया सारी जो आधुनिक मशीनों ने ही इस जमाने पे कब्जा कर लिया है और ये बैल धीरे धीरे विलुप्त होने वाले हैं भाई। और आधार कार्ड देखो उनके कानों पे, तभी तो चाचा कह रहे हम बेच नहीं पा रहे इनको, नहीं तो मैं देता इनको सीधे रामनगर। तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई साहब हाथों का ना, कल 4 खेत लगाए लगभग 5:30 और 1 बजे तक खेतों में था, तो इतनी हालत ख़राब हुई ना कल, न मैंने रोटी खाई दिन में न रात को, ऐसे हुए सही बिल्कुल जाम, दूध पिया एक गिलास बस उसमें ही काम चलाया और अभी उठा फिर 2 खेत लगाया और हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, जकड़न हो गई है हाथों पर। और फिलहाल हमारे चाचा आ रहे हैं उधर से बीज लेके, बीज बोतल मैं पे अदा डियल हेड नहीं फट गई चाचा हमारे परेशान हो गए भाई तभी खोल देने बैल बहुत तेज है भाई ये डॉल तो बहुत बड़ा बड़ा है चाचा ये देखो जी बब्बा है ये यदि सख्त किल हुई पंगड़ी बार है मशीनों भी दिटा ठुने नहीं हो बब्बा ना पियो तुम चाय चिलम फूको एक अब थक लग गए होगी तुम वो चट सर का एकदम बैरी। तो दोस्तों ये है भाई अपना ट्रैक्टर, ऐसे ऐसे रास्तों से लेके आना पड़ रहा है, लाने में ही बड़ी दिक्कत है यार, बाकी तो ओवरऑल सही है लेकिन लेने और ले जाने ना ना धन्यवाद चाचू ही ले जाने में ही दिक्कत है। तो चलो ये है भैया अपना खेत और उधर तक जहाँ तक ये हरा और है ना ना मैं कुछ नहीं फोन मिट्टी में तो वहाँ तक लगाएंगे भैया। और थोड़ा सा एक ये कट पीस है अपना और ये रास्ता है जहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है और खेत इतने टाइट हो रखे ना हाथ तो हाथों के हाल इतने बुरे हो रखे क्या बताएं आपको। तो चलो लगाते हैं ट्रैक्टर, एक शॉट लेते हैं ट्रैक्टर लगाने, ताऊ जी हैं अपने साथ तो वो बना देंगे हमारे वीडियो। अच्छा दोस्तों करते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट, नहीं होना चाहिए कि ये गियर में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए न्यूट्रल में, तब जाके मशीन सीधा आगे जाएगी, नहीं तो उससे पांव काट देगी मशीन। और एक तो यार हलवल तो लगा दिया है, अब चलते हैं सीधे दुकान की ओर, समय हो चुका है 10:30 और आज खेत में ही काफ़ी लेट हो गए यार, क्या बताएं आजकल सीजन ही काम का है। तो चलते हैं दुकान की ओर, फिर यार प्रैक्टिस के लिए भी आना है 2:30 बजे। चेक करें यार सारी खाली हो गई है तो लोगों के भैंस देखो क्या आज तो कमी है, कल मैं देख रहा था वीडियो बनाने का टाइम लगा बहुत सारी भैंस आई थी भाई चरने के लिए, तो यही है आजकल पहाड़ों में। तो दोस्तों यार मैराथन जा ही रहे थे तो रास्ते में हो गया हमारा चालान, क्या करें गलती है हमारी ही है, हेलमेट नहीं था तो चालान हो गया। तो चलो चलते हैं देखो भाई। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध करता हूं मैं कि अपना हेलमेट और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे रेडी करें और हेलमेट तो जरूरी लगाएं, तो हमारी सेफ्टी थी वो लोकल में वैसे मैं लगाता हूँ नहीं, गलती हमारी है।
तो हेलमेट लगाना चाहिए। 250 रुपये का चालान खा लिया, हम तो भुगत लिए भैया इसको। आप ऐसी भुक्तभोगी मत बने, क्योंकि आजकल ये यहाँ पे नए SI आ रखे हैं, अमन कुमार या क्या नाम है इनका, तो वो लगातार यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। तो जो भी व्यूअर्स मेरे माए थान और महलचोई से बीच देख रहे हैं या गाजियाबाद कहीं भी नैल देपुरी, तो हेलमेट जरूर लगाइए। आजकल डेली चालान कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। हेलमेट लगाओगे तो लगभग आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे या नहीं होंगे उस वो तो चेक नहीं कर रहे, लेकिन वो मेन हेलमेट देख रहे हैं। हेलमेट है तो रोक नहीं रहे हो, तो लगाइए आप मेरे चालान से बच सको इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें यार। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गज्जू बाबा।